नमस्कार, कुकिंग विद ज्योति का चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं देसी पास्ता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो इसे बनाने के लिए लिया है मैंने 200 ग्राम पास्ता, जिसे पेनी पास्ता भी कहते हैं। और यहाँ पे टमाटर केचप लिया है, रफ कट अनियन लिया है, उबले हुए मटर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लेना है, 1/3 हल्दी लेना है, 1.5 लाल मिर्च और 3 बारीक हरी मिर्चें कटी हुई, 1 मैगी मसाला और जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो यहाँ पे हमें एक पतीला लेना है, जिसमें पास्ते के 4 गुना ज़्यादा पानी लेके गरम कर लेना है पहले। उसके बाद इसमें 1 चम्मच ऑयल और 1/2 चम्मच नमक डाल के इसे एक उबाल आने तक पकाना है। एक उबाल आ जाए तो उसे थोड़ा सा चलाएंगे, उसके बाद इसमें हम पास्ता ऐड कर देंगे। पास्ता ऐड करने के बाद भी हमें एक बार इसे चला लेना है, और इसे हमें बीच बीच में भी चलाते रहना है, वरना पास्ता हमारा नीचे चिपक जाता है। देखिए ये उबल रहा है, अब इसे हम बीच में चला लेंगे, नीचे चिपक जाता है वरना पास्ता, तो पास्ता हमारा टूट जाता है। तो इसे करीब हमें 20 मिनट तक पकाना है। तो यहाँ पे 20 मिनट के बाद हमारा पास्ता अच्छे से रेडी हो चुका है, तो इसे हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारा पास्ता रेडी हो चुका है। अब एक स्ट्रेनर की मदद से पूरा पानी हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमारा पास्ता हमने स्ट्रेनर की मदद से इसका पानी निकाल दिया है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में पैन में हम 2 स्पून ऑयल डालेंगे और ऑयल को हम गर्म कर लेंगे। ऑयल जब हमारा गर्म हो जाए तो इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे पहले। दो मिनट इसे चलाने के बाद इसमें हम प्याज डालेंगे और प्याज को हमें हल्का सॉफ्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा प्याज सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें हम मटर डाल देंगे और 3 हरी मिर्चें जो हमने बारीक काट के रखी थी उसे भी डालेंगे, और इन सभी को अच्छे से एक बार पका लेना है। ज़्यादा नहीं पकाना है, हमें हल्का सा ही पकाना है इन्हें। तो 2 से 3 मिनट इसे और ऐसे ही चला के हमें पका लेना है, इनमें से सारा का सारा कच्चापन निकल जाना चाहिए। तो 2 से 3 मिनट के बाद पकने के बाद इसमें हम मसाले डालेंगे। जब हम मसाले डालेंगे तो गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे, वरना हमारे मसाले जल जाएंगे। तो मसाले जब हम भूनेंगे तो गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे। लो फ्लेम पर हमें मसालों को भून लेना है। यहाँ पे हमारे मसाले भुन चुके हैं, अब इसके अंदर हम पास्ता ऐड कर देंगे। तो जब हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे तो गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। फिर सारा का सारा प्रोसेस हम मीडियम फ्लेम पे ही करेंगे। तब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे हमें अच्छे से मसालों में कोट कर लेना है सभी पास्ता को। तो करीब इसे हमें 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही चलाते हुए पकाना है। जब ये पक जाए तो इसके अंदर हम टमाटर केचप डाल देंगे। इसमें और कोई एक्स्ट्रा सॉस हम नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ टमाटर केचप ऐड करेंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। काफ़ी सिंपल प्रोसेस के साथ ये बनके तैयार हो जाता है, और ये मेरा फेवरेट पास्ता है। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसलिए मैंने ये रेसिपी आपके साथ शेयर की, ताकि आप लोग भी इसे बना के ट्राई कर सकें। तो देखिए हमारा पास्ता रेडी हो चुका है, अच्छे से ये तैयार हो चुका है। आप पास्ते में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे केचप रख सकते हैं। तो चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने प्लेटिंग कर ली है। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में भी।